कपड़े इतना जाम हो गया, एक घंटे में पहुंचना था। ये जगह क्लीन कराओ यार, तो खुले गई क्या कर रहे हैं आप लोग? सिस्टम ही खराब है। मैं भी खड़े हूँ यार, तो गाड़ी खुले ना खुले। और देखते हैं भैया, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बिजाड़ी है, बिजाड़ी आप लोग। बड़ी बेवकूफी कर रहा है ये। उसे कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी थी? पुलिस वाला है वो, अब तक सब सूंघ चुका होता वो। तो फिर वो जो कुछ कर रहा है हम बैठकर देखते रहे? हमें पहले सत्ता में आने दो, फिर जो मन करेगा तुम वही करते रहना। अभी तो उसे छोड़ो। देखे, हमने उसे छोड़ दिया तो इस घर का दामाद बन के बैठ जाएगा। ए मनोज, तू गुस्सा मत कर यार। हाई कमान से भैया जी के लिए कितनी मुश्किल से सीट मिली, अगर कोर्ट कचहरी का मामला हो गया तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? वो उसे लेकर भाग जाएगा, हम हाथ बांधकर तमाशा देखते रहेंगे। अरे ये बच्चे हैं, इस उम्र में होता है, मामले को बढ़ाकर प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। अपनी लड़की प्लस टू पास हो गई है, वो यहाँ रहेगी तो आएगा ही, उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, फिर वो यहाँ नहीं आएगा। बात को समझो यार। तुझे मेरी गाड़ी दिखी है, कहीं और जाके मर। सॉरी 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 भाई जी, ये एसपी का बेटा है, जब से यहाँ पर आया है सबको परेशान करके रखा है इसने। वो यही है। कल का तेरा क्या प्रोग्राम है? कल मैं कोयम्बटूर जा रहा हूं। ठीक है, सबको बता देना। बता दूंगा, चलता हूं। क्या हुआ यार? पेट्रोल डालना भूल गया यार। ठीक है, मेरी बाइक ले जा तू, कल पेट्रोल भरवा कर ले आऊंगा मैं। संभाल कर जाना। ठीक है, चल भाई। हाँ माँ, हाँ मैं आ रहा हूँ।
अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई में मेरे वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो। भाई ये तुम्हारा गिफ्ट है। गिफ्ट तो देखो चटाई और तकिया, ये सब करते शर्म नहीं आती तुझे? भाग यहाँ से। ठीक है कोई और यूज कर लेगा। सही तो कर रहा है ये, पहले मुझे लगा तू मजाक कर रहा है, तूने अचानक कह दिया तेरी शादी फिक्स हो गई है। अरे यार क्या करूँ, उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, ये भी फैसला नहीं ले पा रही थी। अब ऐसे में मैं क्या करता, मैं खुद जाकर उनसे बात करूँ? इतनी हिम्मत मेरे पास नहीं थी। तू मेरी फिक्र मत कर। हिम्मत तो दरअसल इसने दिखाई, ये अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास चली आई। घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे आ यार क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। नमस्ते महाराज जी। तू यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है रे? मैंने सोचा तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। क्या बात कर रहा है, मुझे पता है बिना वो यहाँ कैसे आ सकती है? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सुबह स्टेशन पर मैंने देखा वो अपने पिताजी के साथ जा रही थी। ए, अनुषा की पढ़ाई पूरी होने में 2 साल बचे हैं और उसके घर वाले जानवर हैं, इस बीच उसकी शादी करवा देंगे, देख लेना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। मैं गाड़ी के पीछे छिप जाता हूँ, मुझे आकर पकड़ लेना। ठीक है 9 10। ए जल्दी आ जल्दी आ, देखो वो इधर ही आ रहा है। देखो ये अनुषा उसकी तरफ ही जा रही है, आते समय उसे बताया होगा। ये ऐसे नहीं चलेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसे वैसे लड़कों के साथ बैठकर खराब पिता है? पागल हो गए हैं? आप इसकी हालत नहीं देख रहे? ये आपकी कोई बात अभी समझ पाएगा? प्रिंसिपल जब इसकी बातें बता रहा था तो ऐसा लग रहा था मुझे चाटा मार रहा है। आज तक हमने इसे कुछ मांगने दिया है क्या? मांगने दिया है? इसके कुछ मांगने से पहले हम इसकी जरूरतें पूरी कर देते हैं। सुबह ड्रग एडिक्ट्स के साथ इसे देखकर मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। इसी दिन के लिए हम इसे पाल रहे हैं? गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। उस दिन उस लड़की की शादी इससे करवा देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं उसके साथ कोई अनर्थ न हो जाए इसलिए छोड़ दिया। लेकिन इसे आज ऐसी स्थिति में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। देख लिया अपने बाप के मरने पर जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, अपने बेटे को देखकर आज वो कैसे रो रहा है। अनिल अनिल तुम गलत कर रहे हो बेटा, तू एक काम कर, तू अमेरिका जाकर पढ़ाई कर। हाँ अनिल बेटा कुछ तो बोल मेरे बच्चे, तुझे ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। अनिल कुछ तो बोल, हिम्मत नहीं कि मैं तुझे इस हालत में देखूं। अनिल 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 तू इंसान है कि क्या है? एक लड़की के प्यार के चक्कर में अपने घर वालों को भुला बैठा, अपने त्याग के चक्कर में अपने घर को ही खत्म कर दिया। तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई, वो वापस आएगी क्या? आएगी क्या? दे इधर, ये देख, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है, उसकी भी जिंदगी तूने खराब कर दी ना। मिल गई शादी तुझे, तुझे लगता है वो चैन से जी पाएगी अपने दिल में तुझे बिठाकर किसी और के साथ? वो बेचारी लड़की पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजारना चाहती थी, ऐसा प्यार था उसका। तेरे जैसा इंसान क्या जाने प्यार क्या होता है। चलो यार यहाँ से,